हाय जॉब सीकर्स, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज है कि उन्हें रॉक क्रू इंटरव्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप भी कंफ्यूज हो कोर्स को लेकर, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, एक स्टोरी एक स्टूडेंट की जिसने CMA कोर्स को ज्वाइन किया 2013 में। और आप सबको पता है कि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अगर किसी भी कोर्स को ज्वाइन करता है उसको कितने सारे चैलेंजेज आते हैं। यस, तो उस स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत सारे चैलेंजेज हैं। लाइक सबसे पहला चैलेंजेज इंग्लिश को फेस करना। इंग्लिश को फेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। देन उसके पास वोकैब स्टॉक नहीं था, तो उसको वो सारे चैलेंजेज आ रहे थे एग्जाम में कैसे आंसर लिखना। इसे उसने मल्टीपल अटैम्प्ट्स लिए CMA एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एंड अप्रॉक्स 5 ईयर्स के बाद 2018 जून अटैम्प्ट में उसने CMA कोर्स को क्वालिफाई किया। बहुत मुश्किल से उसने CMA कोर्स को क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन उसका कैंपस में प्लेसमेंट नहीं हुआ। किसी भी कंपनी ने उसको सिलेक्ट नहीं किया। शॉर्ट लिस्टिंग हुई, इंटरव्यू तक पहुंचा, बट इंटरव्यू में रिजेक्टेड। वाई? बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लाइक अगर मैं कोर्स की बात करूँ, तो ड्यूरिंग द कोर्स उसके एकेडमिक नॉलेज बहुत अच्छे हुए, बट कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल्स में कमियाँ रह गई। लाइक ही डोंट नो हाउ टू मेक हिज रिज्यूमे। उसको उस समय रिज्यूम ड्राफ्टिंग करना, कैसे लोगों से बात करना है, इंटरव्यू में खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, सैलरी निगोशिएशन कैसे करना है, कुछ भी नहीं आता था। और एक कोर्स कैरिकुलम का भी पार्ट नहीं था। कैंपस में रिजेक्शन होने के बाद उसने ऑफ कैंपस जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया। अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट किया कि कहीं भी उसको एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाए। 6 मंथ हो गए, बट उसको कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। लास्ट में उसने एक फॉर्म ज्वाइन किया कि चलो कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं। एंड उस फॉर्म में उसको मात्र 20,000 रुपीज ऑफर किए थे। आप सोच लो, 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट, सिर्फ टाइम का नहीं, टाइम प्लस पैसा दोनों इन्वेस्ट किया। एंड उसके बाद सिर्फ 20,000 रुपीज से स्टार्ट करना, उसके खुद के कितने एम्बिशंस थे लाइफ में कि ये सब मैं परचेज करूँगा, अपने घर वालों पे सारे गिफ्ट्स दूंगा, बहुत सारे उसके ख्वाहिशें थी, बट सारे ख्वाहिशों पे पानी फिर गया। एंड उसके बाद प्रॉब्लम यहीं तक नहीं होगा। फिर उसको ये सारी चीज़ें एक दिन रियलाइज हुआ कि यार मुझे ये सॉफ्ट स्किल्स सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देन ही डिसाइडेड टू लर्न सॉफ्ट स्किल्स। ही स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू मेक रिज्यूमे, टू हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू। एंड वो सब कुछ सीख के अप्रॉक्स 1.5 साल बाद उसका सिलेक्शन एक्सेंचर में हुआ और उसको 1,200,000 रुपीज का पैकेज मिला। सो उसने 2018 में CMA क्वालिफाई किया एंड 2022 में उसको एक्सेंचर में जॉब मिली। अप्रॉक्स आप देखो 4 ईयर्स का टाइम उसको लग गया एक अच्छी जॉब पैकेज लेने में। अगर आपके साथ भी चैलेंजेज है और आप चाहते हो कि आपको 4 ईयर ना लगे, आपको 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ में आप भी वो सारी चीज़ें अचीव कर लो जो उसने 4 साल में किए, अगर आप भी सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, तो आप मेरे इस कोर्स शॉक क्रू इंटरव्यू को ज्वाइन कर सकते हो। वो स्टूडेंट जिसके मैंने आपको स्टोरी सुनाई, वो स्टूडेंट कोई और नहीं, मैं खुद था। मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट किया, और मैं भी इसी रिजल्ट में था, यार मैं CMA हूँ, मुझे सॉफ्ट स्किल्स सब सीखने की क्या ज़रूरत है, मेरी क्वालिफिकेशन मेरी डिग्री सफिशियंट है किसी भी जॉब को लेने में। बट ये प्रैक्टिकल सच नहीं है। मार्केट में आप सिर्फ अकेले CMA नहीं होते, आपके साथ बहुत सारे CMA होते हैं जिन सबको ये जॉब चाहिए होता है, एंड इन कंपटीशन में आपको भी फेस करना है। तो मेरे इस कोर्स में मैं वही सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ जो मैंने पिछले 5 साल में अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, और आपको आपके लाइफ में उस 5 ईयर का जो गैप है उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि आपको उन सारी चीज़ों को सीखने में 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का टाइम ना लगे। आप 1 मंथ और 2 मंथ में आप उतने एक्सपर्ट बन जाओ कि आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर लो और आप एक अच्छी सैलरी पैकेज अपनी फैमिली के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल। कैंपस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की। इस बार मेरे पास 8 स्टूडेंट्स आए थे, सबका कैंपस प्लेसमेंट हुआ है और 1 स्टूडेंट्स को 22 लाख का पैकेज भी मिला है। तो ये प्रूवन टेक्निक है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ। और इस कोर्स की वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम मिलने वाली है और सिर्फ 1-2 99 कोर्स की प्राइस है। सो मुझे नहीं लगता 1-2 99 की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है, और ये 1-2 99 आपको लाइफ में बहुत कुछ दे सकता है।
थैंक्स, सी यू सून इन माय क्लास, बाय, टेक केयर।